Good morning, okay. जिंदगी तो क्या जोमिना नहीं है, खत्म होने के बाद का है। Okay, guys, तो आज हम what we are going to start the invitation today onwards, so that next 3-4 days में we'll become good in invitation. So all the info which will be done in next 3-4 days, we can jump on to invitation. Okay, so today we will start reverse. First, we will do the practice for invitation. I will demonstrate, and then some people will practice. And then later, we will do the book wala thing actually at the end. The second book, which is a third book, which is going on, right? Okay. So, mute all. Okay. Now, so let's start. There are so many people I can't figure out. क्योंकि सब लोग और अपना वीडियो ऑफ कर देंगे तो आपको सिर्फ दुबई टीम मिलेगी। और वीपी आप हाइड कर सकते हो। फ्रेंड्स हु हैव नॉट स्विच्ड ऑन द वीडियो, तो सिर्फ दुबई वाले आ जाएंगे। बाकी सब लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं। ओके। ओके ठीक है। तो हसन भाई हम लोग का क्या करेंगे आज? व्हाट वी विल डू इज सी वी डिड इन करेक्ट यस 10 दिन 12 दिन से हम वही कर रहे थे। इन्फो कॉल में भी वी हैव फिगर्ड आउट वार्म जोन एंड देन बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एंड देन कोल्ड एंड देन कॉम्प्लिकेटेड वन आल्सो। ओके, माय एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट टीम्स आर दैट द कॉम्प्लिकेटेड वन इज नॉट कमिंग एनीमोर। बिकॉज नाउ इन्फॉर्मेशन का तरीका चेंज हो गया, तो कॉम्प्लिकेटेड वाले सवाल आ नहीं रहे आज की डेट में। वो पहले क्यों आते थे इतने? बिकॉज कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द इन्फॉर्मेशन वी आर लीविंग सम क्लू एक्चुअली वेर दे यूज टू जम्प ऑन टू दैट कंक्लूजन। ओ आर यू टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग और इज इट लाइक अ यू नो, वो जनरली आ नहीं रहा है अदरवाइज, करेक्ट? तो बेसिकली नाउ आफ्टर इन्फॉर्मेशन देर आर 3 काइंड ऑफ कैटेगरीज विच वी सेग्रीगेट। सो वंस यू do the information call, there is category A, response, which means yaar mere ko bhi kuch batao, oh yaar main bhi kuch dhoond raha hu, right? That is responses ki ye directly nahi bol raha mujhe bhi batao, but kar kya rahe ho, okay, kar kya rahe ho, ya to fir chalo acha hai, you know. Aur C response ye ki thoda negative hai aadmi, you know, ki yaar dekh lo abhi is time pe to business kya hai, ye hai wo hai, right? तो ए बी सी, अभी बी रिस्पॉन्स में ये भी हो जाता है कि कर क्या रहे हो, और कई बार आदमी पूछता नहीं है, वर्बली कर क्या रहे हो, लेकिन आपको पता है उसके दिमाग में चल रहा है कि वो ये सोच रहा है कर क्या रहे हो, राइट? ओके, नाउ रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि हमको डिप्रेस होना है और ये मेरे ए रिस्पॉन्स नहीं आए ज्यादा, या मेरे बी आ गए बहुत सारे, या सी आ गए, राइट? ए बी से रिस्पॉन्स इस लिख रहे हैं सो दैट हम प्रायोरिटाइज कर पाए किसको पहले कॉल करना है। So, A को हम सबसे पहले इन्विटेशन कॉल करेंगे, फिर B को करेंगे, और फिर C को भी करेंगे। कॉल तो हमको सबको करना है, अज्यूम नहीं करना है कुछ भी कि ये नेगेटिव है या ऐसा ऐसा, राइट? बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन एट द टाइम ऑफ इन्फो अ पर्सन मे गिव बी रिस्पॉन्स, ओके, बट जब तक आप इन्फो पे पहुंचोगे कुछ दिनों बाद, हो सकता है उस बीच में वो खुद ही फोन करके आपको बोले यार तूने कुछ बोला था, करेक्ट, मेरे लिए कुछ तो बताना, तो वो बी का ए में कन्वर्ट हो जाता है। मे बी उस टाइम पे उसके दिमाग में कुछ चल गया। एक्सपीरियंस व्हेन दिगी एंड मी केम इन कॉन्टैक्ट, ओके, वी कॉल के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट में आया, तो उसने ऐसे ही पूछा कि कर क्या रहे तू, तो मैंने बोला यार मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, ये बोला चल कभी मिलते हैं, बोला हाँ मिलते हैं, पक्का मिलते हैं, तो मैंने एक बार फिक्स किया यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आ जाना शाम को, फिर वो नहीं आया, बोला यार क्लाइंट के साथ अटक गया था मैं। फिर हम लोग एक बार पार्टी के लिए गए जहाँ पे क्या होता था, हम प्रोस्पेक्ट्स बुलाते थे और अपना ग्रुप दिखाते थे, तो इट वाज लाइक अ मैरिनेशन, यू नो, तो मैंने सोचा वहां आ जाएगा फिर देखेंगे। आई वाज नॉट थिंकिंग वेदर आई नीड टू शो प्लान और टू हिम ऑर नॉट, राइट? तो वहां बुलाया JW मैरियट के पब में, तो वहां पे भी वो नहीं पहुंचा। रात में उसने फोन करके बोल दिया भाई लेट हो गया मेरे को ऑफिस से, करेक्ट? तो उसके बाद में 2-3 बार पोस्टपोन किया उसने मीटिंग, ओके, मीटिंग मतलब कैचअप मीटिंग था, राइट? वो खुद ही बोल रहा था कि मिलेंगे,
Okay. But then, after a few days, he himself called me and he told me, yaar, mil to hum pa nahi rahe, lekin ek baat karni thi mujhe. तू जो कर रहा है वैसा कुछ मैं कर गया या मेरी वाइफ कर सकती है. बोला ठीक है, मेरे को इसके बारे में बात करनी, तो अब हम मिलते पक्का से. मतलब पहले वाला मिलना जो था, he was not putting effort to meet, B response था जबकि उसका. ओके, अगर दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था उसके, तो सीधा सीधा बात कर लिया कि भाई सुनना, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं मिलते हैं, अब इस सिलसिले में बात करने के लिए मिलते हैं. So first meeting after so many years, and I ended up showing a plan to him. Right? Are you getting me? I did a qualifier and plan meeting. तो कभी-कभी क्या होता है? इंसान B response देता है, लेकिन अगर हम रुके जाते हैं थोड़ा time के लिए, तो वो खुद ही phone करके response देता. तो इसका मतलब ये नहीं कि B response is bad response, right? Maybe वो time पे उसका ego was not allowing to express कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ. लेकिन life में situation लात पड़ती है रोज. ऑफिस में कभी कभी आदमी पक जाता है, फिर बोलता है कि यार छोड़ो यार, मैं डायरेक्टली पूछ देता हूँ. नो, सो नाउ वी विल प्रैक्टिस रिस्पॉन्स ए. नाउ वी विल प्रैक्टिस टूडे फॉर हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू कॉल फॉर रिस्पॉन्स ए. ओके, देन टू डेज वी विल डू दिस, देन टू डेज वी विल डू बी रिस्पॉन्स. सिंपल, उसमें कोई सवाल नहीं पूछ रहा है ज्यादा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये ऐसा है वैसा क्या. थोड़े बहुत सवाल पूछ रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं. फिर सी रिस्पॉन्स का करेंगे, और फिर लास्ट में हम वो कॉम्प्लिकेटेड वाला भी करेंगे जिसमें आप बुला रहे हो लेकिन वो बार बार और भी बहुत डिटेल पूछ रहा है. थोड़े क्या हुआ कि नाउ सौरभ राइट है, यू कैन रिकॉर्ड. तो बेसिकली नाउ आई विल मेक अ फोन कॉल टू हसन भाई, हु ऑलरेडी इज इन्फॉर्म्ड बाय मी. ओके, एंड हिज रिस्पॉन्स वॉज ए, एंड ही वॉज asking that time only कि भाई कुछ है तो मेरे लिए भी बताओ. वो मैंने तभी बोला था, अच्छा आप सीरियस हो क्या, कुछ रहेगा तो पक्का बताऊंगा आपको. राइट, आप सीरियस हो तो आपको डेफिनेटली सबसे पहले याद करूंगा. ठीक है, ये रिस्पॉन्स था उस टाइम. सवाल पूछे तो उन्होंने, बट मैंने घुमा के आगे फोन रख दिया था. राइट, अभी मैं उनके उनसे बात कर रहा हूँ एक हफ्ते के बाद में. ओके, और मैं उनको इन्विटेशन दे रहा हूँ. ठीक है, डन हसन भाई. डन. अच्छा सर जी, साथ साथ कुछ चीजें क्लियर होती जाए ना. हाँ. तो आप बोल रहे हैं कि आप एक हफ्ते बाद कॉल करें, जो हमें अभी तक यही बताया गया था कि जो ए रिस्पॉन्सेस को आपने 48 आवर्स में लाजम कॉल कर लेनी है ताकि वो थोड़ा सा. नहीं नहीं, आई टेल यू, मैंने आपको मैंने अगर कॉल किया है पहले और आपने मुझे पूछा कि यार मेरे लिए भी कुछ है बताओ, और मैंने उस तरह पोस्चर बना के बोला कि